टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। अगर आपको 10 रुपए वाली फ्रूटी या मिक्स जूस का शौक है तो आपको जुलाई से इसके लिए ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है। इसकी वजह है सरकार का नया फैसला, जिसकी वजह से डाबर सहित इस सेक्टर की सभी कंपनियां परेशान हैं। असल में सरकार ने 1 जुलाई से सिंगल यूज वाले इन प्लास्टिक पैकेट्स पर रोक लगाने का फैसला किया है, जो कि कंपनियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। अगस्त 2021 पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए पब्लिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक पर जुलाई 2022 से प्रतिबंध रहेगा। इस नियम के तहत प्लास्टिक प्लेट, कप्स, कटलरीज, रैपिंग कवर, पीवीसी बैनर, फ्लैग स्टिक के यूज पर प्रतिबंध रहेगा। इस नए नियम ने कंपनियों को परेशान कर दिया है। कंपनियों के पास मौजूद विकल्प में पेपर स्ट्रो या जूस बॉक्स को फिर से डिजाइन करने का विकल्प है, जिसकी वजह से 10 रुपए के पैकेट पर खर्च बढ़ जाएगा। साथ ही पेपर स्ट्रॉ का लोकल बेहतर विकल्प ना मिलने की वजह से कंपनियों को इसे चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया या फिनलैंड से मांगना पड़ सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार से फ्रूटी के निर्माता पार्ले एग्रो की तरफ से तारीख आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। इस इंडस्ट्री के अनुमान के मुताबिक भारत में जूस कंपनियां 6 अरब जूस पैकेट्स हर साल बेचती हैं। डाबर, पार्ले एग्रो, कोका कोला, पेप्सिको जैसे ब्रांड्स अपने फ्रूट जूस का 60% छोटे पैकेट्स में बेचते हैं। इनके अलावा ORS बेचने वाली कंपनियां भी इस फैसले से प्रभावित होंगी। फिलहाल सभी कंपनियां सरकार की तरफ से किसी नई घोषणा का इंतजार कर रही हैं। रिपोर्ट, मार्केटाइम्स टीवी। ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।